वेलकम दोस्तों। तो आज जैसे कि आप थंबनेल पे आए होंगे देख के कि दो बुक्स का रिव्यू, वन इज इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया एंड द सेकंड वन इज इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। कौन सी बुक बेहतर है, कौन सी बुक एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दो बुक्स के बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम इसको साइड में करते हैं, हम दिस नितिन सिंघानिया की बुक देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी कैसी है। देखो ये बुक मैंने 3-4 महीने पहले लाई थी बाजार से, ऑलमोस्ट 600 के करीब लाई थी मैंने। बहुत अच्छी बुक है, जबरदस्त बुक है और इसकी क्वालिटी भी देखिए तो मैंने कलर्ड में लाई थी, तो इसके ऑन द बेस ऑफ दैट आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बुक है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स की, तो इसमें जो टॉपिक्स कवर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेशनल इनकम, पॉवर्टी है, आप खुद भी देख सकते हैं, इन्फ्लेशन, इंडियन प्लानिंग वगैरह, सब सारे के सारे टॉपिक्स हैं। बहुत अच्छी बात। और रहा सवाल, अब जो अंदर इसमें कंटेंट वगैरह है वो देखने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो कंपिटिटिव, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे स्टेट लेवल के लिए एग्जाम होता है कोई जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो दिस बुक, दिस नितिन सिंघानिया इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया इज द बेस्ट ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन है। मैं खुद एक पीजी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि दिस बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं तो ये बुक आप लाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, एक तो देखो अगर आप एग्जाम में जाते हो तो आपको अगर बेसिक क्वेश्चन ही छूट जाए तो फायदा क्या है। तो ये जो बुक है आपको बेसिक लेवल भी क्लियर करेगी और साथ में करंट बेसिक टॉपिक्स के साथ साथ इसमें ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पीछे पीछे देगी। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं तो ये कहूंगा ये बुक कमाल की। अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं, रमेश सिंह की बात। देखो रमेश सिंह भी मैंने थोड़ी पढ़ी है, लेकिन आप खुद देखो रमेश सिंह की बात करें तो टॉपिक्स इसमें बहुत है, टॉपिक्स इसमें बहुत है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये अगर आप पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता ये बुक पढ़ने के बाद भी आप कोई ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। सीरियसली मैं भी कोई बंदा बहुत काबिल होता है, इंटेलिजेंट जीनियस लोग होते हैं, तो ये जो बुक है तो मैनेज के लिए शायद कुछ मदद करेगी आपको, लेकिन प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है। कोई स्टेट लेवल जो बेसिक लेवल एग्जाम है, या कोई छोटा सा क्लर्क पोस्ट होता है या स्टेट लेवल एग्जाम है, तो ये बुक उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई और करेगा मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अच्छी बुक है। मैंने पढ़ी है यार, आप खुद भी देखो ये ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से नहीं निकलेंगे और इतना जो अंदर की डिटेल है वो भी उतनी अच्छी नहीं है कि, और जो लैंग्वेज है जो वो भी थोड़ा सा मुझे टिपिकल लगी, उतनी इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना। जो भी नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट है उसके लिए ये बुक ठीक नहीं है, नॉट गुड एट ऑल। और जो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंटरमिगलिंग, समझ नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये सब प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन अगर कोई मेंस के लिए जाना चाहता है डायरेक्टली, किसी का एडमिशन बहुत स्ट्रांग हो तो फिर अगर ये भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, फिर पढ़ो आप। बुक तो हर एक कोई अच्छी होती है, इसकी भी अपनी कोई खासियत होगी, मुझे नहीं आया समझ में लेकिन होगी जरूर। लेकिन अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो या कोई भी एग्जाम हो, लेकिन ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बुक जो है आपको मतलब बेस लेवल भी क्लियर करेगी। आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा दिखाऊंगा, ये जो आप देख सकते हो कि ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थोड़ी सी अगर आपने थोड़ी सी भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपके कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बेस लेवल क्लियर हैं, जीडीपी क्लियर हैं, खासकर मैं उन स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, दिस बुक इज द बेस्ट। और जो नहीं पढ़े हैं ग्रेजुएशन तक, फिर भी ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये मैं रिकमेंड करूँगा। ये जो है ये वाली
थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आई, मे भी कुछ बंदे को, किसी किसी को आई होगी। तो इसमें अगर आप ये पढ़ के भी जाओगे ना कोई, फिर बेस्ट लेवल एग्जाम क्लियर करना चाहोगे, इस बुक में आपको बहुत टिपिकल होगा कि ऑब्जेक्टिव निकालना, यहाँ से वो करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे क्लियर कट पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थ्योरिकल है। और ये वाली जो बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको सामने मिलेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर कट में दिया गया है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, क्लियर कट में दिया गया है ये वाला। तो ये पढ़ने के बाद गारंटी कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूट जाएगा। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने जो पढ़ा है इसमें बहुत कुछ, बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़े हैं, 10-20-25% पढ़ी है मैंने ये बुक, और ये भी मैंने 10-20 पढ़ी है। बट आई विल रिकमेंड दिस द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। ये लाओ पढ़ो और फिर देखना कि आपको कितना मजा आएगा। और ये भी पढ़ो जिसके पास ये ऑलरेडी है। तो मैं ये नहीं पढ़ता हूँ लेकिन ये मैं पढ़ता हूँ कंटिन्यूसली, बहुत अच्छी बुक है। तो आप फिर भी, आपको स्टूडेंट को अपनी अपनी लेवल होती है हर स्टूडेंट की कि कौन सी बुक अच्छी है। तो मतलब हर स्टूडेंट के पास तो बुक्स तो होती हैं, वो कन्फ्यूजन में होता है कि रमेश सिंह लाए या नितिन सिंघानिया लाए। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा आपने पढ़ा है पहले भी थोड़ा थोड़ा कुछ यूट्यूब से कुछ ऐसे वैसे, तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। फिर इससे ग्रेट बुक, क्योंकि इसमें से करंट बेस भी है, इसमें भी है करंट बेस, लेकिन ये आप खुद देखो, ये तो मतलब समझ नहीं आता है ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकालेंगे, वो कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। कभी कभी टाइम भी कम होता है, तो ये भी मतलब थोड़ा सा पॉइंट फैक्टर है। तो ये जो बुक है इसमें क्लियर कर दिया गया है, हाईलाइटेड है सब पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये बुक ग्राफिकली भी दिखाती है और ऐसे प्रेजेंट करती है कि जैसे मतलब आपको खुद समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एट लास्ट में फिर से ये बुक आपको रिकमेंड करता हूँ, तलाव मार्केट से गारंटी के साथ। थैंक यू। और जिसके पास वो ऑलरेडी है वो पढ़े, बट ये बुक अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।